हैप्पी दिवाली दोस्तों, हैप्पी दिवाली। यहाँ पे आज का दिन है ये दिवाली का, तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत बधाई हो हैप्पी दिवाली के। यहाँ पे आई होप आप सभी अच्छे से दिवाली बना रहे होंगे और सेफली भी बना रहे होंगे, यानी जितने भी आप पटाखे बॉम्ब, जितने भी आप गुलझड़िया हो गई, यहाँ पे छुरछुरिया हो गई, तो प्लीज़ इसको आप सेफली चलाइएगा। यहाँ पे काफ़ी डेंजरस होते हैं, तो इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि सेफली इसको चलाइएगा। यहाँ पे मेरी तरफ से दोबारा से आप सभी को हैप्पी दिवाली, यहाँ पे डीजे ब्लॉक फैमिली को हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ दोस्तों ATI प्रो का क्रॉसओवर। यहाँ पे 2 क्रॉसओवर है। यहाँ पे आपकी काफ़ी दिक्कतों को मैंने सुना कि भाई मेरे को क्रॉसओवर यहाँ पे चलाने नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसकी सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे इसका कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी कारणों के कारण आप क्रॉसओवर तो लेते हैं, यहाँ पे यूज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि यार ये झोल मझोल सा लग रहा है, यहाँ पे कनेक्शन उसके अलग करो, यहाँ पे फिर हम उसको आउटपुट अलग देना पड़ता है, इनपुट अलग निकालना पड़ता है, तो काफ़ी वायर का भी खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे इस सब चीज़ बचत के लिए यहाँ पे आप क्रॉसओवर को फेंक देते हैं, तो अनयूज क्रॉसओवर रखना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे सेटिंग भी आपके काम आने वाली है, साथ के साथ ये क्रॉसओवर जो नया आया है, 2-way क्रॉसओवर जो आया है, इजीली आप इसको यूज़ कर पाएंगे, उसकी भी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने लिया, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रॉसओवर की पैकिंग को, साधारण सी पैकिंग आपको दिख रही होगी ATI प्रो की। यहाँ पे आपको ऊपर के साइड पे ब्रांडिंग, नीचे हैंडल वेट केयर एंड सम आपको कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, सिंपल सी यहाँ पे बॉक्स की पैकिंग हमें देखने को मिल जाती है। फटाफट से यहाँ से हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का आपको लॉक देखने को मिलता है, और ये यहाँ से कुछ इस टाइप से क्रॉसओवर बाहर आता है। ये आपको अलग से पैकिंग दिख रही होगी, बाकी जो क्रॉसओवर में होती है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलती है, बाकी मैंने तो अभी तक यही देखी है। और यहाँ पे आपको ये फाइनल क्रॉसओवर देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप का होगा। एक पावर बोर्ड देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक मैनुअल भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके शायद काम आए, तो ज़रूर से ज़रूर आप उसको संभाल के रखिएगा। और यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल, और यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोडक्ट का भी मिल जाता है, क्वालिटी पास जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ अलग से ही आपको लगा होगा यहाँ पे। तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पे क्रॉसओवर दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर कैसा देखने को मिलता है वो चलिए देख लें। तो अभी आपको यहाँ पे पास से देखने को मिलता है क्रॉसओवर पर, यहाँ पे ATI प्रो की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। चैनल 1 सिंपली यहाँ पे ये सबवूफर का आउट है, और यहाँ पे ये 3 जो नोब आपको देखने को मिलने हैं, ये है चैनल 2 का, और यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन, और ये पावर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। मॉडल नंबर यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, SC202, यानी 202 SC202 के नाम से ये जाना जाता है। सिंपली इसी में यहाँ पे आपको टेस्टिंग, और यहाँ पे कैसे चलाया जाता है, कैसे वर्क करता है, कैसी सेटिंग होती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आपको मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ उसके बारे में, यहाँ पे हमें कैसा, क्या और क्यों यूज़ करना चाहिए क्रॉसओवर को, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको जो सेटिंग्स हैं, यहाँ पे कनेक्शन है, वो कैसे करने होंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका आउटपुट लेवल है वो 0 पे हो, तो यहाँ पे बस आउटपुट लेवल को आपको 0 पे कर देना है। उससे बेसिकली होता क्या है कि अगर पीछे से मिक्सर से आपके आउटपुट आ रही हो और आपका एम्पलीफायर भी ऑन हो, तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं रहेगा कि अनबैलेंस्ड आउटपुट जाए और आपके स्पीकर ख़राब हो जाए, यानी एक झटके से आवाज़ जाए, झटके से आउटपुट जाती है, तो जाहिर सी बात है स्पीकर एकदम ही उड़ने के चांसेस रहते हैं। मेक श्योर कि आपके ये 0-0 पे सेट हो, जैसे आप एम्पलीफायर ऑन करते हैं तो ऐसे ही इसको ऑन कर दीजिए सिर्फ आउटपुट का। तो यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ, ये आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये देखिए, ये स्विच पे भी आपको एक लाइट देखने को मिल रही होगी, और यहाँ पे ये इंडिकेटर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमने पावर ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको दोस्तों देखना है, ये देखिए ये जो है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है ये आ रहा है मेरे मिक्सर से, तो जिसका आपको ध्यान देना है ग्रीन वाला मिक्सर का है, यानी मिक्सर आउटपुट दे रहा है ग्रीन वाले में। यहाँ पे हमारा ये जो पर्पल, यानी हमारा जो बैगनी कलर है, ये हमारे जा रहा है एम्पलीफायर में, तो ये इनपुट,
ये है मिक्सर की आउटपुट ग्रीन वाली। तो ये दो कलर कोडिंग का आपको ध्यान रखना है कि इनपुट यहाँ से होगी क्रॉसओवर पे, ये आउटपुट होगा क्रॉसओवर का। सिंपली मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, तो यहाँ मैं पीछे लेके गया। तो मैं अभी एक ही चैनल आपको यूज़ करके बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। और यहाँ पे आपको ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो आपको जैक पिन भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो जिन जो मेरे भाई जैक पिन का यूज़ करते हैं, यानी मिक्सर से अगर जैक से जैक आउटपुट निकलती हो तो ये यहाँ पे आप डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल में जो मेरी ग्रीन वाली है वो तो है मिक्सर से आ रही है, जो कि मुझे ऑडियो प्रोवाइड करेगी। तो ये यहाँ से मैंने डाल दिया। अब मुझे क्या डाला है, मैंने ये वाले चैनल पर यानी इस वाले इनपुट पर डाला है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे निकालनी है सिर्फ हाई। चलिए मैं इसमें लो कर देता हूँ, हाई छोड़िए। आप बोलेंगे कि हाई क्यों निकाला, ये लीजिए, ये आ गया हमारी लो। तो ये तो जा रही थी हमारे किस में, एम्पलीफायर में, ये आ रही थी हमारे मिक्सर से। सिंपल, बस खत्म कहानी। और यहाँ से आपको क्या करना है, अब मैं गाना भी प्ले करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मैं सॉन्ग प्ले करने से पहले आपको कुछ सेटिंग समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको कैसी सेटिंग करनी है, यहाँ पे सबसे पहले आपका ये आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको हाफ कर दीजिए। आपको मैं सजेशन दूंगा, आप इसको इतना खोलिए, यानी तकरीबन 9 बजे, यानी 9 बजे के घड़ी के अगर पैटर्न में चलेंगे तो इतना आपको खोलना है। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा 390। आप इसे जितना नीचे जाएंगे उतने ही यहाँ पे बेस आपको प्योर यानी पंची देखने को मिल जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको बेस जो है और ज़्यादा चाहिए तो आप इसको नीचे ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल भी इतना रखूँगा। यहाँ से मैं गाना प्ले करता हूँ और ये गाना प्ले हो चुका। ये देखिए, जितना मैं नीचे गया उतना बेस, और जितना मैं ऊपर जाऊंगा उतना ही ट्रिबल आएगा। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको आपको हाफ ही रखना है, मेरी सजेशन ये। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेके जाना चाहें तो ये यहाँ तक ही लेके जाइएगा। और ये आप बेस को सुन सकते हैं, और जितना मैं इसको ऊपर करूंगा उतना ही बेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये लो का काम कैसे करता है। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे हाई का काम कैसे करता है। सिंपली मैं यहाँ से पीछे XLR जो है ये हाई को आउटपुट देने के लिए मैं डाल दूंगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा। अब यहाँ से मैं फिर दोबारा गाना प्ले करता हूँ और ये यहाँ पे मैं हाफ कर देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं सजेशन दूंगा आप इतना ही रखिएगा। जितना आप इसको नीचे लेके जाएंगे उतनी ही मिड आएगी, और जितना ही आप इसको ऊपर लेके जाएंगे उतनी ही यहाँ पे हाई मिलेगी इस वाले आउटपुट से। चलते हैं आगे, मैं आपको सब वूफर का काम बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि सब वूफर का आउटपुट कैसे काम करेगा, यहाँ पे ये कैसे काम करता है। इनपुट आप किसी भी दोनों चैनल में से दे सकते हैं, आप चाहे यहाँ दे सकते हैं, आप चाहे यहाँ दे सकते हैं, तो दोनों पर ही वर्क करेगा। और यहाँ से सिंपली आपको ये एम्पलीफायर के लिए ये वाला आउटपुट दे देना है, यानी सब वाला आउटपुट दे देना है। आगे से क्या सेटिंग होगी वो मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सबवूफर लिखा हुआ है, ये स्विच को आपको ऑफ करके रखना है, यानी ऊपर की साइड करके रखना है। अगर आप ऑन करते हैं तो 30 हर्ट्ज़ से नीचे की जो फ्रिक्वेंसी होगी, लो फ्रिक्वेंसी होगी, वो काट देगा, तो बेस उतना आपको क्लियर यानी उतना पंची सुनाई नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इसको अभी आपको 0 करके रखना है। इसको मैं सेटिंग में बताता हूँ कितना करके रखना है, स्पीकर के अकॉर्डिंग करके रखना है आपको। यानी आप लाइव चला रहे हैं, यहाँ पे आप DJ चला रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपको परफेक्ट लगे वहाँ पे आपको इसको सेट कर देना है। वैसे तो मेरी सजेशन आपकी ये यहाँ तक रहेगी, यहाँ पे आप कर सकते हैं 120 पे। और यहाँ पे इसको मैं अभी हम गाना प्ले करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा चलता है और यहाँ पे ये सबवूफर का काम कैसे रहता है। तो मैं आपको ये गाना प्ले कर देता हूँ।
ये देखिए, ये जो पंच वाला होता है वो आपको आउटपुट मिलेगी इसके अंदर। इसके अंदर तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं इससे, जितना आपको प्रेशर चाहिए हो उतना ही बढ़ा दीजिए। जितना दोस्तों आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा, यानी प्रेशर बेस का प्रेशर आपको ज़्यादा चाहिए, तो उतना ही आप हल्का सा बढ़ा दीजिए। इसको मत छेड़िएगा, इसको भी मत छेड़िए, एक जगह छोड़ दीजिए। जितना आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए हो उसको आप हल्का सा बढ़ा दीजिए। यहाँ से मैं गाना प्ले करता हूँ। यहाँ पे आप ये बेस को सुन सकते हैं। जितना मैं इसको कम करूंगा उतनी सॉफ्ट हो जाएगी, जितना ही मैं इसको बढ़ाऊंगा प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों कैसे लगे टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी और आपको आई होप ये सेटिंग भी समझ में आई होगी। यहाँ पे कैसे काम करता है लो और सबवूफर का आउटपुट, यहाँ पे हाई का आउटपुट कैसे काम करता है। अभी भी आपको कोई भी मन में क्वेश्चन हो, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल से जल्दी कोशिश करूँगा आंसर देने का। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपको सिर्फ अगर बेस भी चलाना है इस क्रॉसओवर से, तो मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ पे सब वूफर वाला जो आउटपुट है उससे लीजिएगा। यहाँ पे जो बेस का पंच होगा यानी जो प्रेशर होगा बेस का, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। जितना ही आप इस लाल वाले वॉल्यूम को, यानी लाल वाले जो आपको वॉल्यूम इंडिकेटर वाले दिख रहा होगा, तो जितना ही आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही जो बेस का प्रेशर होगा उतना ही मजबूत मिलेगा। जितना ही आप इसको नीचे करेंगे यानी इसको कम करेंगे, उतना ही बेस जो होगी वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मैं 75% से आपको गेन खोलने को बोलूँगा। 75% से आप ऊपर मत जाइएगा गेन, यानी जितने भी आप गेन यहाँ पे देख रहे हैं, गेन लो, गेन हाई और गेन सब, ये तीनों के तीनों आपको 75% मतलब यहाँ तक आपको रखना है। उससे ऊपर आपको मेरी सजेशन है कि मत जाइएगा। साथ के साथ यहाँ पे आपको ये जो लो की मैंने आपको बताई थी सेपरेट लो की, यहाँ पे आप ये हाई की, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डीजे चलाते हैं तो यहाँ पे आप सबवूफर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ये अवेलेबल कहाँ से होगा, इसकी जो प्राइस क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ATI Pro का कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पर जाके कॉल करिए और यहाँ पे आपको प्राइस पता लग जाएगी। बाकी इसकी और भी डिटेल जानने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा, तो नीचे लिंक दिया गया है। साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।